नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के फिर एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं यूसीएल आईडी के बारे में कि यूसीएल आईडी आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद दोस्तों इसका आईडी पासवर्ड आप लोगों को मिल जाता है। अगर आपके पास दोस्तों डॉक्यूमेंट्स जो मैं बताने वाला हूँ अगर ये कम्प्लीट हैं तो कहाँ से आपको यूसीएल आईडी मिलेगा और क्या क्या उसकी प्रोसेस होती है, कितना टाइम होता है, वो भी मैं बताऊँगा। पहले मैं आप लोगों को यूसीएल आईडी का यहाँ पर डैशबोर्ड लॉगिन करके भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है वेलकम, प्लीज सिलेक्ट द ऑपरेटर मोड ऑफ द कंटिन्यू। तो आपको दोस्तों यहाँ पर ECMP पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर लिखा है ऑपरेटर आईडी, तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना ऑपरेटर आईडी डाल देना है। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी की ऑपरेटर आईडी यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है, और अगर आप दूसरे स्टेट से रहने वाले हैं तो दोस्तों आप अपने स्टेट का पहले अक्षर के नाम लिखना होता है शॉर्ट में, और वो दोस्तों यहाँ पर वर्क करना शुरू हो जाता है। तो फिलहाल मैं दोस्तों ये चीज़ें यहाँ पर डाल देता हूँ। फिर इसमें दोस्तों आपका जो ऑपरेटर नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट होगा और नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपसे GPS अलाउ नोट अपडेट के लिए मांग रहा है, तो आपको दोस्तों गो टू GPS पेज पर क्लिक करना होगा और इस तरीके से आपका यहाँ पर GPS ब्रांड रेट आ जाएगा। GPS इंफॉर्मेशन के लिए आपको स्टार्ट GPS पर क्लिक करना होगा। आपकी जो GPS डिवाइस है वो आपके लैपटॉप से कनेक्ट होनी चाहिए। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो GPS लोकेशन होगा वो दोस्तों 1 से 2 मिनट में यहाँ पर ऑटोमेटिक दोस्तों सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन यहाँ पर अलाउ हो चुकी है। अब आपको दोस्तों GPS को सेव कर देना है। आप जैसे ही GPS को सेव कर देंगे तो इस लोकेशन को आपको बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर साइड में आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा और आपको यहाँ पर साइनिंग ऑपरेटर डिटेल बारे में पूछा जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक करना है, तो कुछ इस प्रकार से डिटेल ओपन होगी। आपको यहाँ पर ओपन कर देना है ओके वाले ऑप्शन पर, और आप जैसे ही ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपसे जो मोबाइल स्टेट आपकी दोस्तों आईडी से होगा उस पर एक ओटीपी जाता है। उस आधार ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। आप आधार ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर अपना जो है आयरस के द्वारा इस आईडी को ओपन करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं आयरस डिवाइस यहाँ पर रेडी नहीं है, तो हम पहले आयरस डिवाइस को रेडी कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आयरस डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट भी हो चुकी है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अपना जो आयरस के साथ दोस्तों फिंगर देना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट क्लिक हो चुका है। अब इसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका जो सेक्शन है वो सक्सेसफुल ऑनलाइन हो चुका है। अब ये बोल रहा है कि आप इसको इस पेज को क्लोज कर दीजिए। आप जैसे इस पेज को क्लोज कर देंगे अब आपको दोस्तों यहाँ पर लाइफ सर्कल चेंज का ऑप्शन होता है। आपको ऑनलाइन अपडेट का काम मिल जाएगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स का काम मिल जाएगा, और रीप्रिंट का दोस्तों आधार कार्ड का अगर किसी का खो जाता है तो वो निकाल सकते हैं। ये 3 काम आपको देखने मिलते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से एक एरर दिखाई देगा। इसको यहाँ से दोस्तों ओके करके आप हटा देंगे। हटाने के बाद आपके सामने दोस्तों ये न्यू फीचर्स यहाँ पर खुल चुका है। अब यहाँ पर इनरोलमेंट आईटी के द्वारा भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर डाटा सर्च कर सकते हैं या कैंडिडेट के आधार नंबर को डालकर भी उसका डाटा यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका दोस्तों आप फिंगर लेते हैं। फिंगर लेने के बाद आपका जो फिंगर है यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको ऑपरेटर जो जिसके नाम से आई है उसको भी अपना फिंगर यहाँ पर दोस्तों देना होता है, तभी ये आधार डिटेल्स जो है कैंडिडेट की फाइंड होती है। और यहाँ पर दोस्तों आधार फाइंड का ऑप्शन होता है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये दोस्तों नेक्स्ट पेज पर आपको लेकर चला जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यूसीएल का डैशबोर्ड खुलता है। ये मैंने पूरी आपको लाइव प्रक्रिया आपको दिखा दी है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास दोस्तों सबसे पहले CSC ID होनी चाहिए। CSC ID 5 महीने पुरानी होनी चाहिए, जिसमें आपके पास CSC के साथ एक बैंक BC होना चाहिए। किसी भी बैंक का BC CSC के साथ होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। एक आपके पास दोस्तों अभी नया सर्टिफिकेट चला है LMPS, ये LMPS जो है लर्निंग का सर्टिफिकेट होता है, इसको भी आपको पास करना होता है। आप जब इसको पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको एक सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट
दोस्तों अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर देना होता है, वो दोस्तों लाइव कराना होता है, उसकी तैयारी का जो मटेरियल है मैं आपको दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारी चीज़ें अगर दोस्तों आपके पास कंप्लीट हैं तो आपको UCL का काम मिल जाएगा। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके अपना UCL का वर्क करा सकते हैं। और CSC पर भी दोस्तों फिलहाल इस समय रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, आप लोग UCL के लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और बाकी जो चीज़ें होती हैं अपना दोस्तों आयरस डिवाइस हो गया या मंत्रा डिवाइस हो गया या GPS डिवाइस हो गया, ये सभी डिवाइस जो हैं आप लोगों को बाद में ज़रूरत पड़ती है। और एक दोस्तों आपको VSNL का ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी लेना होता है, लेकिन ये आपको बाद में करना होगा जब आपका कंडेंसर बंद किया जाएगा। उससे पहले आप लोगों को दोस्तों कहीं भी कोई भी खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और आपसे दोस्तों रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट नहीं दोस्तों, हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी आपको अपडेट देते रहते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप जो नंबर है और ग्रुप है वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर भी उसको ज्वाइनिंग कर लीजिए। और न्यू से न्यू अपडेट जो भी आता रहता है वो मैं अपने व्हाट्सएप माध्यम से भी आप लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ।